नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाली द वनस्पति गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, सदाबहार बारामासी बिनका भी जिसे कहते हैं, सफ़ेद रंग के फूलों वाले प्लांट का। और उस प्लांट की खास बात ये थी कि वो एक बहुत ही बुशी प्लांट था, बहुत ऊँचा, 8-9 फुट तक ऊँचा था वो प्लांट और काफ़ी बड़ा प्लांट था। दोस्तों, उसी प्लांट से मैंने कुछ कटिंग्स ली हैं और उन कटिंग्स में दोस्तों फूल भी हैं, फलियां भी हैं और कलियां भी हैं। और इन कटिंग्स को मैं घर में ग्रो कर रही हूं अपने गार्डन में और आपके साथ शेयर कर रही हूं। दोस्तों, मुझे ऐसी कटिंग्स नहीं लेनी चाहिए थी जिसमें बर्ड्स भी हैं और फलियां भी हैं, लेकिन दोस्तों यही कटिंग्स मुझे ठीक लगी ग्रो करने के लिए, इसलिए मैंने ले ली हैं। और इनके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार किया है मैंने, गार्डन सॉइल, किचन वेस्ट कंपोस्ट और रिवर सैंड को छाना हुआ यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। रिवर सैंड मोटी वाली है और सबको अच्छे से मिक्स करके 12 इंच के मिट्टी के गमले में ड्रेनेज होल बंद करके और मैं अपना पॉट भर ले रही हूँ दोस्तों। और कटिंग्स को 45 डिग्री के एंगल पे काट रही हूँ और दोस्तों इन कटिंग्स की सारी पत्तियाँ मैं हटा दे रही हूँ, कुछ पत्तियों को छोड़कर। ऊपर कटिंग्स के सिरे पर, टिप पर कुछ कटिंग्स की पत्तियाँ मैंने कटिंग पर छोड़ दी हैं ताकि वो अपना फूड बना सके और वो अच्छे से अपनी रूट्स डेवलप कर सके। दोस्तों, फूलों को, फलियों को और कलियों को हटाने का मेरा मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कटिंग्स में रहने दिया। और दोस्तों, अपने पॉट को मैंने रात को अच्छे से तेज ज़्यादा पानी से वॉटरिंग कर दी है ताकि बेस तक सारी मिट्टी गीली हो जाए। और सुबह मैं इन कटिंग्स को लगा रही हूँ, सारे मैंने होल्स पहले से ही बना लिए हैं ताकि हमारी कटिंग्स को जब हम इन होल्स में लगाएं तो हमारी कटिंग्स जो हैं डैमेज ना हो, उनमें किसी तरह की खरोच ना आए और रिजल्ट अच्छे मिल सके, हमारी कटिंग्स अच्छी तरह ग्रो कर सकें। दोस्तों, मैंने इतना बड़ा गमला इसलिए लिया है ताकि हमारी कटिंग्स जो हैं हम इसी में ग्रो करती रहें, प्लांट्स इसी में लग जाएं। मैं ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहती थी, वैसे कटिंग्स के लिए इतने बड़ा गमला नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट का या उस बड़े से प्लांट का, विनका का देखना चाहते हैं वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ लिंक, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों, इन कटिंग्स को मैंने अच्छे से लगा दिया है, चारों तरफ से इनको मिट्टी में दबा दिया है और करीब 5-6 दिन तक इसको मैं छाया में रखूंगी ताकि रूट्स अच्छे से बन सकें। और मिट्टी पहले से ही गीली है, थोड़ा सा और वॉटरिंग कर दे रही हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी कटिंग्स को लगा दिया है दोस्तों। इसमें फलियाँ भी हैं, कलियाँ भी हैं, लीव्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा लीजिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। सॉरी, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।